नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनाली। आज सवाल समाज के उन ढीठ लोगों पर सुलगाएंगे जो लताड़ पड़ने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी लिस्ट में पहले नंबर पर प्रशांत भूषण का नाम सामने आता है, जो अपनी बेहूदी बयानबाजियों की वजह से बार बार सुप्रीम कोर्ट की रडार पर आते हैं, फटकार खाते हैं, लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेते। एक बार फिर प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हदें पार कर देने वाला बयान दिया, जिससे बार काउंसिल ऑफ इंडिया गुस्से में लाल हो उठा, जिसके बाद बीसीसीआई ने प्रशांत भूषण को चौड़े में जमकर लताड़ा। भरी भीड़ में ऐसी क्लास लगाई कि जनाब के पसीने छूट गए और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करना प्रशांत भूषण को महंगा पड़ गया, जिसके बाद सवाल सुलगने लगे। प्रशांत भूषण का दोहरा चरित बेनकाब, क्यों बीसीसीआई ने प्रशांत भूषण को लगाई लताड़, क्या प्रशांत ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया, क्या प्रशांत को बार काउंसिल से निकाला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर गिरफ्तार होंगे प्रशांत भूषण। इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दे कि क्यों प्रशासन भूषण को बीसीसीआई के सेमिनार से खदेड़ा गया। मामला सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों पर वकील प्रशांत भूषण की ताजा टिप्पणी से जुड़ा है। दरअसल इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के आयोजित कार्यक्रम में प्रशांत भूषण, जाकिया जाफरी, हिमांशु कुमार शामिल हुए थे। इस दौरान प्रशांत भूषण ने मनी लॉन्ड्रिंग पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसलों का जिक्र करते हुए कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक स्वतंत्रता और मूलभूत अधिकारियों का संरक्षण होने का दायित्व खत्म कर दिया है। उन्होंने तीन जजमेंट के दर्दनाक बताते हुए कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट पर हमले को और उसके कर्तव्यों को खत्म करने के एक नए स्तर पर ले जाता है। प्रशांत भूषण ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने वाले को सिर्फ इसलिए सजा दे रही है क्योंकि उसने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी किया वो बेतुका है और समझ से परे है। प्रशांत भूषण ने इतने पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों पर भी बेतुकी टिप्पणियां की। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर मामला और राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट मामले में फैसला सुनाने वाले पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का नाम लेते हुए कहा था कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सांसद बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि जस्टिस अरुण मिश्रा को रिटायरमेंट के तुरंत बाद राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाते हुए नियमों का उल्लंघन करके 9 महीने तक उन्हें अपना आधिकारिक आवास अपने पास रखने की इजाजत दी गई। प्रशांत भूषण की इन बेतुकी टिप्पणियों पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया भड़क उठा। अब बीसीसीआई ने उनके बेतुके बयानों पर लताड़ लगाते हुए प्रशांत भूषण को देश विरोधी तक करार दे दिया और कहा कि प्रशांत भूषण जैसे लोग कभी भी नागरिक स्वतंत्रता के चैंपियन नहीं रहे हैं, बल्कि वो इस तरह के बेहुदे हरकतें करके दुनिया को ये संदेश देने में कामयाब रहते हैं कि वो लोग भारत विरोधी हैं। असल में ऐसे लोग अभिव्यक्ति और बोली की आजादी के मूलभूत अधिकारों का हनन कर रहे हैं। चीन और रूस जैसे देशों में प्रशांत भूषण जैसे लोगों की अस्तित्व की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बेतुके बयानबाजी के कारण बीसीसीआई ने सीधे तौर पर इस प्रशांत भूषण को देश विरोधी तक बता दिया। इससे बड़ी बेइज्जती प्रशांत भूषण के लिए और नहीं हो सकती। लेकिन प्रशांत भूषण मानो चिकने घड़े हो गए हैं, उन्हें इतनी बेइज्जती से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बीसीसीआई ने साफ शब्दों में कहा है कि रिटायरमेंट के बाद जजों को पद दिए जाने की इस तरह गलत तरीके से आलोचना नहीं की जा सकती, क्योंकि कई संस्थाओं में कुछ पद पूर्व जजों को ही दिए जाते रहे हैं। इसके साथ ही बीसीसीआई ने प्रशांत भूषण और लिबरल गैंग को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरीके से आलोचना कर लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकते। आप वकील होने के बावजूद व्यवस्था का मजाक नहीं बना सकते, वरना आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। अब सवाल यही है कि दोहरा चरित्र दिखाने वाले इस प्रशांत भूषण पर बीसीसीआई क्या एक्शन लेती है? क्या बीसीसीआई से प्रशांत भूषण को धक्के मार कर निकाला जाएगा,
यानी बर्खास्त किया जाएगा या फिर प्रशांत भूषण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जिससे प्रशांत को जेल भी भेजा जा सकता है। अपना दोहरा चरित्र प्रशांत भूषण को महंगा पड़ सकता है। प्रशांत भूषण का दोहरा चरित्र इसलिए है क्योंकि जब इन्हें किसी केस में PIL दाखिल करने की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट भागते हैं। इसलिए ही प्रशांत भूषण को PIL बेबी भी कहा जाता है। कोर्ट का कोई फैसला इनके हक में आता है तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ाइयां करने लग जाते हैं। अगर विरोध में फैसला आ जाए तो इनके तोते उड़ जाते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण पर पहले ही सख्त कार्रवाई कर चुका है। दरअसल पहले भी प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, उसकी अवमानना की थी, जिसके बाद कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया और हिदायत दी कि अगर आगे से ऐसा कुछ किया तो बख्शे नहीं जाओगे। 3 साल के लिए वकालत पर तो रोक लगेगी ही, साथ ही कानूनी कार्रवाई अलग से होगी। खैर, प्रशांत भूषण ने 1 रुपए जुर्माना भर मामले को हल्के में ले लिया और फिर से इसी तरह की बेहुदे हरकत करने लगे। लेकिन अब BCI उनके खिलाफ सख्त हो गई है। उनके बयानों की BCI ने सख्ती से आलोचना की है, कार्रवाई की धमकी दी है, जिससे कहा यही जा रहा है कि BCI प्रशांत भूषण को काउंसिल से भगा सकती है और उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। जजों के खिलाफ बार बार बेतुके बयानबाजी करने वाले प्रशांत भूषण अब बुरे फंस गए हैं। इस लिबरल गैंग का हिस्सा सिर्फ प्रशांत भूषण ही नहीं, कपिल सिब्बल भी हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट को फैसले इतने चुभ गए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगानी ही छोड़ दी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले इन्हें क्यों चुभ रहे हैं ये भी बता देते हैं। दरअसल जब ये फैसला इनके विरोध में आता है तो ये लोग बौखला उठते हैं। अपनी हार इनसे झेली नहीं जाती, फैसला सुनाने वाले जज इनके दुश्मन दिखाई देने लगते हैं। इसलिए बार बार ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, छाती पीटते हैं, लेकिन अब इन्हें अपनी बेहुदी हरकतों को हर जाना काफी महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब BCI इन लोगों के खिलाफ एक्शन मोड में आ चुका है और जल्द ही कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। सुलगता सवाल में इतना ही, कल नए सवालों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल TV, उत्तर प्रदेश।